हेलो फ्रेंड्स, सोलर टेक इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद। आज मैं आपको एक साइड का PWM बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोल दिखाने वाला हूं, जो कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पे ऑपरेट होता है और ये 6 एम्पियर का है। तो इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है, डस्क टू डाउन। यहां देखिए लिखा हुआ है, एक्साइड सोलर चार्ज कंट्रोलर विथ डस्क टू डाउन। आज हम लोग समझेंगे कि ये फंक्शन आखिर है क्या और ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट और ये 6 एम्पियर का क्या पर्पस है, क्यों लिखा हुआ है इसमें। तो इसको हम लोग अभी ओपन करके देखते हैं ये कैसा है। तो ये चार्ज कंट्रोलर देखिए पुराने ऐसा ही है, लेकिन इसमें डस्क टू डाउन फीचर डाला हुआ है। ये देखिए आपको यहाँ पे ऊपर में है, यहाँ पे देखिए D और N लिखा हुआ है। ये D4 है डस्क टू डाउन और N4 नॉर्मल। और यहाँ पे एक DIP स्विच लगा हुआ है। DIP का फुल फॉर्म होता है ड्यूल इनलाइन पैकेज स्विच। इसमें दो छोटे छोटे स्विच लगे हुए हैं, जब दोनों को आप ऐसे नीचे कर दीजिएगा तो ये आपका डस्क टू डाउन मोड में आ जाएगा, और जब दोनों को ऊपर कर दीजिएगा तो ये नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। तो डस्क टू डाउन फंक्शन का मतलब क्या होता है? डस्क टू डाउन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को प्रॉपरली सोलर पैनल, बैटरी और लोड कनेक्ट कर दिए हैं और डस्क टू डाउन मोड आप ऑन कर दिए हैं, तो इसमें होगा ये कि जैसे ही दिन होगा तो दिन के टाइम में क्या होगा कि आपका लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और रात में ऑटोमेटिक लाइट आपका जलने लगेगा। इसको दूसरे शब्द में डे नाइट सेंसर भी बोलते हैं। डस्क टू डाउन को टेक्निकल नेम है डस्क टू डाउन फंक्शन। तो ये आपका इसी में इनबिल्ट है, तो इसको जब ऑन कर देते हैं तो आपका ये फंक्शन इनेबल हो जाता है और आपकी लाइट जो है रात में ऑटोमेटिक जलने लगती है, और फिर जैसे ही दिन होगा तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड। तो लेकिन इसको ऑपरेट करने का एक प्रॉपर तरीका है, नहीं तो ये आपका ऑपरेट होगा ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड। तो पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का क्या मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ भी ऑपरेट हो सकता है और 24 वोल्ट की बैटरी के साथ भी ऑपरेट हो सकता है। यानी 12 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी लगा सकते हैं और 12 वोल्ट की दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं इसमें, तो आपको 12 वोल्ट का सोलर पैनल भी लगाना पड़ेगा। 12 वोल्ट का सोलर पैनल का मतलब होता है वैसा सोलर पैनल जिसका VOC 18 वोल्ट से लेके 23 वोल्ट है, उसके बीच रहता है या उसी के करीब होता है, उसको बोलते हैं 12 वोल्ट का पैनल। और 24 वोल्ट का पैनल जो होता है वो 36 वोल्ट से लेके 46 वोल्ट तक होता है। कनेक्शन लगाने वक्त ये ध्यान रखना है कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी के साथ करना है तो 12 वोल्ट की बैटरी इसमें कनेक्ट कर देंगे, बैटरी प्लस और बैटरी माइनस से। इससे क्या होगा कि चार्ज कंट्रोलर ये समझ लेगा कि अब इसको 12 वोल्ट का ही सोलर पैनल चाहिए, तब उसके बाद हम लोग इसमें सोलर पैनल का कनेक्शन करेंगे। और जो 24 वोल्ट का है, तो यानी दो बैटरी अगर इसमें लगा दे सीरीज में करके, तो हम इधर 24 वोल्ट का पैनल लगाएंगे। लेकिन इसका मैक्सिमम सपोर्टेबल जो पैनल है वाटेज में, वो आपको 100 वाट का ही है। ठीक है फ्रेंड। इसके साथ एक स्पेसिफिकेशन शीट भी दिया हुआ है, मतलब ऐसा सोलर पैनल लगाना है जिसका शॉर्ट सर्किट करंट 6 एम्पियर से कम हो, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ 6 एम्पियर दोनों केस में लिखा हुआ है, लोड के केस में भी और आपको चार्जिंग के भी केस में। किसी किसी चार्ज कंट्रोल में जो है लोड का करंट अलग होता है और आपको चार्जिंग का करंट अलग होता है, लेकिन इसमें दोनों 6 एम्पियर ही है। तो इसका ये आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शीट है, इसमें आपको सब मेंशन है। तो इसमें देखिए इनपुट चार्ज करंट लिखा हुआ है, सोलर चार्ज करंट 6 एम्पियर मैक्सिमम, सब कुछ लिखा हुआ है। मैक्सिमम मॉड्यूल वाटेज आप 100 वाट, जो कि आपको 6 एम्पियर के लिए परफेक्ट है। 6 एम्पियर से कम देगा ये, तो ये परफेक्ट है इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के लिए। आउटपुट करंट रेटिंग जो है ये 6 एम्पियर मैक्सिमम देगा, यानी कहने का मतलब सोलर चार्ज कंट्रोलर से जो लोड को मिलेगा, यहाँ लोड प्लस और लोड माइनस जो लिखा हुआ है, ये आप 6 एम्पियर तक का इसमें लोड कनेक्ट कर सकते हैं DC लोड। नॉमिनल बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए PV ओपन सर्किट वोल्टेज, अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो ये 21 वोल्ट का सोलर पैनल रिकमेंड करता है, और 24 वोल्ट का लगाते हैं तो उसके लिए 42 वोल्ट का सोलर पैनल ये रिकमेंड करता है। उसके बाद है स्टैंड बाय पावर कंजम्पशन नो लोड, अगर ये चार्ज कंट्रोलर सारा कुछ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और आपका वर्किंग में नहीं है, कहने का मतलब सोलर पैनल से कनेक्ट है और बैटरी से भी कनेक्ट है, लोड भी कनेक्ट है, लेकिन रात का टाइम जैसे हो गया,
तो उस टाइम में क्या होगा, सिर्फ चार्ज कंट्रोलर आपका ऑन रहेगा, तो उस टाइम में ये मात्र 5 मिली एम्पियर से भी कम करंट लेगा, लेस देन 5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये इसका चार्जिंग एल्गोरिथम जो है वो PWM बेस्ड है। इसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन भी है आपका, डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, बैटरी रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन और सोलर पैनल रिवर्स कनेक्शन प्रोटेक्शन। इसमें आपको 3 इंडिकेटर भी मिलते हैं। ये देखिए SPV चार्जिंग का इंडिकेटर है, जब आप उसको सोलर पैनल से कनेक्ट कर देंगे और जब चार्जिंग मोड में ये आ जाएगा तो यहाँ पे ये लाइट आपका जलना शुरू हो जाएगा। ये बैटरी लो स्टेटस, अगर बैटरी आपकी लो हो जाएगी तो इसमें रेड कलर की लाइट जल जाएगी। उसके बाद ओवरलोड या लोड ऑन, जब आपका लोड ऑन रहेगा तो इसमें ग्रीन कलर की लाइट जलेगी, स्टेडी मोड में होगी, स्थिर अवस्था में, लेकिन जैसे ही ओवरलोड हो जाएगा तो ये आपका ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड, इतना सारा इसमें फीचर्स है, ये बहुत ही कम दाम में अवेलेबल है। इसमें एक्स्ट्रा बस जो ऐड किया गया है, ये आपको डस्क टू डाउन फंक्शन ऐड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।